नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। हेलो, आपने क्या जी पूरे दिन यहीं बैठने का ठेका ले लिया है? सुबह दोपहर शाम हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? आप पढ़ो, जल्दी कोर्स ख़त्म करके घर जाना है। घर जाके क्या होगा? पापा मम्मी को भी एसएससी की तैयारी में लगाना है क्या? शादी वादी करेंगे तो हम देखो शादी वादी करेंगे साहब, तो उसके लिए मुझे तो लगता नहीं कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। कोर्स तो करवा ही देगा कंप्लीट कोई ना कोई। पहली बात तो मैंने ये कब कहा कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन नहीं पढ़ाऊंगा? मैंने बोला कि मैं एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाऊंगा भगवान के लिए। एटीट्यूड देखो। और आप बोलोगे कि मैक्सिमम मिनिमम भी आपको लाइव ही पढ़ना है तो वो भी एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और बेसिक आइडेंटिटी देख रहे हो, बेसिक जानते हो तुम क्या होती है बेसिक आइडेंटिटी? तुम पागल हो बिल्कुल, पूरा एलजेब्रा खत्म हो गया, इसको यही नहीं पता कि बेसिक आइडेंटिटी क्या थी। अभी जो टाइप थे वही तो बेसिक आइडेंटिटी थी, और क्या था? क्या रहा बेसिक आइडेंटिटी नहीं पढ़ा रहे? एक्स प्लस एक बटे एक्स दो से लेकर के 5600 तक हम गए, वो सब बेसिक आइडेंटिटी नहीं थी? कितने दिन हो गए एलजेब्रा चलते हुए? सही सही बताओ, 20 से ज्यादा क्लासें हो गई तो क्या पढ़ा रहा था अगर एलजेब्रा नहीं था तो? पता नहीं, अजीब आदमी है बिल्कुल। आजकल पता बच्चे डिसाइड करने लगे कि टीचर क्या पढ़ाएगा क्या नहीं। अबे तुम्हें क्या आता है? और अगर तुम्हें यही पता था कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है तो फिर तुम्हें कोचिंग की जरूरत कहाँ थी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोचिंग तो आदमी इसीलिए करता है, उसे पता नहीं रहता क्या पढ़ना है कैसे तैयारी करनी है, इसीलिए करता है, अपना आगे चुपचाप बैठ जाता, टीचर पढ़ाता, खत्म बात। जब तुम्हें सब पहले से ही पता था तुम अपनी दुकान क्यों नहीं खोल लेते? अजीब आदमी हो यार। हमने किसी चीज को पढ़ाने के लिए मना किया तो बताओ, खुद हम स्पेशल टॉपिक निकाल निकाल के खोज खोज के पढ़ाते हैं। हाँ जी, बड़ी हंसी आ रही है आपको ऐसे हैं? आप क्यों पढ़ रही हैं ऐसे दूसरे की पर्चियां? 11 की छुट्टी कर दो, बोटिंग करने जाना है तो बोटिंग करने के लिए छुट्टी क्यों कर दें? ये भी कोई बात हुई? 11 को चुनाव है और नहीं है किसी दिन? 11 को भी, 18 को भी, 17 को भी, रोज है? ऐसे तो रोज छुट्टी करनी पड़ेगी। छुट्टी अब सिर्फ एक ही स्थिति में होगी जब, हाँ, 3 दिन की छुट्टी रहेगी उस टाइम पे। हाँ हाँ, और 3 दिन सैटरडे संडे फ्राइडे काउंट नहीं हो जाएंगे? और 3 वो 6 हो गए, और एक तो हम ऐसे एक बोल ही देते हैं, एक वहीं से लाइव कर देंगे सीधे 7 दिन। पढ़ लो चुपचाप, ज्यादा मुंह ना फाड़ो, एक आध मच्छर घुस गया वैसे, यहाँ बहुत जहरीले मच्छर हैं, सीधे दिल पे जाके अटैक करेगा, और जरा भी दिल पे छेद हो गया तो जानते हो क्या होता है, दिल रहा ही कहाँ। ओहो, बहुत टूटा है इसका त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एडवांस मैथ्स, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत लंबा सा टॉपिक भी है, लगेंगे 10-12-15 क्लास खत्म करने में, ठीक है। त्रिकोण मिति से ही समझ में आ रहा है कि 3 चीजों की बात कर रहे हैं, यानी ट्रायंगल की बात कर रहा है। ट्राई गन मतलब 3 भुजाएं, ठीक है, गन भुजाओं कहते हैं, जैसे पॉलीगन होता है। बेटा तो पढ़ी लो या बाल संभाल लो, एक काम कर लो, इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती पढ़ने की, दूर की रिश्तेदार हैं, पापा फोन करके कहते हैं जी बेटी पढ़ रही है, झूठी आवाज में बोलना पड़ता है। हाँ जी, अभी 3 दिन पहले मामा का फोन आया, कह रहे ग्रुप डी कोचिंग अच्छी कहाँ होती है? मैंने कहा मामा तो समझ गए, पता नहीं पापा कब समझेंगे, ग्रुप डी की पूछ रहे थे।
हमने मामा को बताया कि जी उसमें लड़कियां नहीं जाती, उसमें रेल की पटरी से पत्थर उठवाते हैं। कह रहे कोई नहीं, पैर से इधर कर देगी। आज जो भी बच्चा बदतमीजी करेगा तो मैं उसके अच्छी झंड करूंगा, शांत बैठने कल की तरह, ठीक है। ट्रायंगल और क्वाड्रेंट बेसिक बेसिक बातें हैं जो थोड़ी सी बता देते हैं। जैसे ट्रायंगल के अंदर क्या बातें, ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करने से पहले, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री, इसको हम पी कहते हैं, इसको बी और इसको एच। जब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारी आंख यहाँ पे है, तब हमारे लिए ये परपेंडिकुलर है, और जब हमारी आंख यहाँ पे है तब ये परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर बदलता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब एंगल ये होता है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, जब एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और एच बराबर होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम सारे रेशियो निकालते हैं, तो 6 रेशियो हमने एज्यूम किए थे बेसिकली, तो 3 एजम्पशन हमने किए जिनका कोई प्रूफ नहीं है, बस ये एजम्पशन है बेसिकली। क्या क्या हमने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो साइन रेशियो होगा वो होगा साइन थीटा बराबर पी बाई एच, और जो कोसाइन रेशियो होगा कॉस थीटा वो होगा बी बाई एच, और जो टेंजेंट रेशियो होगा यानी कि टेन थीटा वो होगा पी बाई बी। टेन थीटा क्या होगा? पी बाई बी, ठीक है। अगर इन दोनों को भाग लगा दें तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना आ रहा है, पी वाई बी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, टेन थीटा। अब इन सबके उल्टे भी होते हैं, इनवर्स। जैसे साइन का इनवर्स क्या होता है, पहले इतनी सी बात लिख लीजिए फिर बताएंगे। ये मिटा दें, थोड़ा सा लिख लीजिए हल्का फुल्का। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे अगर आपने कभी पहले भी हमसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो भी। क्या इतना लिख लिया, ये मिटा दें, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। जब ये 3 हमने मान लिए थे तो हमने कहा कभी अगर एच वाई पी की जरूरत पड़ जाएगी तो कोसेक मान लेंगे उसको, ठीक है। फिर कॉस का उल्टा कितना होता है, सेक थीटा, वो कितना होगा, एच वाई बी। और टेन का उल्टा कॉट थीटा, वो कितना होगा, बी बाई पी। इसके उल्टे हैं, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में जान लीजिए, थोड़ी सी नॉलेज क्वाड्रेंट की होना जरूरी है। कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर मैं इस क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रायंगल बनाता हूँ तो जो बेस है वो पॉजिटिव होगा और ये जो बेस है वो नेगेटिव होगा, होगा पॉजिटिव। यही देख रहा था कि तुम्हारा ध्यान इधर है कि नहीं, ठीक है। और एच बेसिकली रूट के बाहर आता है, तो रूट के बाहर तो हर चीज पॉजिटिव होती है, तो एच पॉजिटिव होगा। तो अब इस क्वाड्रेंट में आप कुछ भी निकाल लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी निकालेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पीछे लड़का पाइनएप्पल जैसे बाल लेके बैठा है, क्यों भाई इस उम्र में इतनी फैशन शर्म नहीं आती,
कहां पे अटकी हुई ये बात? एक तो बाल कलर करवा लाया, ऊपर से वो ऐसे करके करवा लाया जैसे वो पाइनएप्पल में नहीं होता, जबकि उम्र दराज है। उम्र दराज समझते हैं आप? नहीं समझते आप? वो जानते हैं मेज में दराज होती है उसको जो खींचते हैं, तो जब आप देखेंगे कि जब बहुत उसकी उम्र हो जाए, मेज पुरानी हो जाए, तो आवाज करने लगती है, उसी कैटेगरी में ये आते हैं उम्र दराज। दराज की उम्र हो गई, बहुत तगड़ी डेफिनेशन है। तो इसमें क्या, सब कुछ पॉजिटिव होगा, साइन कॉस टेन सब कुछ पॉजिटिव, तो हम इसे बोलेंगे कि ये क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब सभी, पॉजिटिव मतलब धनात्मक है। साइन निकालो, कॉस निकालो, टेन निकालो, कॉट निकालो, सब कुछ क्या है, पॉजिटिव है भाई साहब। बात समझ रहे हैं? बेसिक ज्ञान है, थोड़ा होना चाहिए। जब हम इस क्वाड्रेंट में चले जाते हैं और ये थीटा की बात करते हैं, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आप बताइए कि इसमें बेस नेगेटिव है और परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव ही है, तो फिर कौन सी चीज है इसमें जो है, कौन सी चीज है जिसमें बेस नहीं आता? साइन, साइन में बेस नहीं आता, तो साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, होंगे कि नहीं? अगर इस क्वाड्रेंट में चले जाएं, ये एंगल थीटा है, तो ये नेगेटिव होगा और ये तो पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे जब आप साइन निकालेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, कॉस निकालेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, लेकिन जब आप टेन निकालेंगे तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, होंगे नहीं? ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो ये थीटा है, तो इसमें कॉस जो है पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा। अभी आप बस इतना ज्ञान लिखिए और हम इतने ज्ञान के आधार पर कुछ सवाल करेंगे। वी विल डू सम, we will do some SOME or some SUM on the basis of this ज्ञान, okay? आप जी इतने टीके वीके कहाँ से लगा रही हैं, नकली पंडित? ओहो, एटीट्यूड में खांसी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कभी कभी मेरे दिल, लिखें एक बहुत छोटा सा सवाल। आप दोनों ऑक्सीमोरन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। क्या दोस्ती कर रही हैं? विरोधाभास हैं, विरोधाभास। ये 25 किलो वजन की और ये 85 किलो, बिल्कुल गलत। थोड़ा मैनेज कर ले, ओए मुंह तोड़ दूंगा अभी, ठीक है? फालतू मत की, तो सिर्फ हमारा हक है कि हम किसी बच्चे को कुछ बोल दें, तुम्हारा नहीं, खुद के। तो तुम ये जो मैगी हेयर्स लेके घूम रहे हो, हैं? खा जाए कभी कोई गेंडा मिल गया मैगी समझ के, बिना चम्मच के ही खाते हैं वो। एक सवाल आपने लिखना है कि इफ 5 sin θ + 3 बराबर 0 एंड थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट 5 sin θ + 3 = 0 और थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में है, तब आपसे पूछ रहा है कि 8 tan θ - 10 cos θ, कमान क्या होगा? सर आ गया 14, बेहद आसान सवाल। रोहतक वाले भाई साहब, हो गया होगा आपसे? नहीं हुआ यार, आप तो इतने पुराने आदमी हो इस फील्ड के, है कि नहीं? देखिए यहां से साइन डेटा कितना हो गया,
माइनस 3/5, माइनस तो आना ही था। क्यों आना था? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो ये कह सकते हैं ये 3, ये 5 और ये थीटा है, तो ये 4 होगा। तो टेन थीटा की बात जब आएगी तो टेन थीटा होगा 3/4 और पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। अगर इसकी बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा कितना आएगा? 4/5, लेकिन नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये 4 × 8, 2 × 3 = 6, प्लस 5 × 2 = 10, 2 × 4 = 8, कितना आ रहा है? 14। ऐसे ही आ रहा था 14। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, अभी तो शुरुआत है। ट्रिग्नोमेट्री में तो मेरे पास इतना स्टॉक है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो बैक टू बैक आप 95% सवाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि आप ना कर पाए। मैं चाहता हूँ थोड़े बहुत आप करें ताकि आपका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहे, है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ज्ञान लेते हैं। इतना तो आप समझ गए। ऐसे ट्रायंगल पे बहुत ज़्यादा सवाल कराने की जरूरत नहीं कि ट्रायंगल बनाए बार बार, 3, 4, 5, कभी 5 बार 13। हाँ भाई, बेटा जिस हिसाब से शरीर बढ़ रहा है तो शर्ट भी चेंज करने पड़ते हैं, फट जाए किसी दिन, समझ रहे हो? क्या तरीका हुआ दस, कमाल है आपके। उधर मैनर्स नहीं होते क्या? सर जी वाईफाई का पासवर्ड दे दो, भाभी जी के मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाते। भाभी जी मतलब भाभी जी आपको मैसेज क्यों करते हैं? भैया को करेंगे, आपको करते हैं? नीचे लिखा हो गजली। देखिए मैं इस नाम को भूल चुका हूँ पूरी तरीके से, और मैं नहीं चाहता कि दोबारा मुझे ये नाम याद दिलाया जाए। ये मेरा अब तक का वन ऑफ द बेस्ट नामकरण रहा, जिसको जिसका हुआ उसी ने मना कर दिया। आई लव दिस नेम गजली। ये मेरी लाइफ का सबसे एंटरटेनिंग नाम था जो मैंने रखा, लेकिन भाई ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये नाम दोबारा नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं शुरू कर दूंगा उसी का नाम रखना फिर गजली, जो भेजेगा लिख के। वाईफाई का पासवर्ड दे दो, मतलब तुमसे 1.5 घंटे नहीं रहा जाता, फिर आओगे रोते हुए हमारे पास, गुरुजी अब साधन बताओ, गोली की जरूरत है। कुछ कुछ लड़के पता है बड़े पागल होते हैं। पता एक लड़का क्या लिख के भेज रहा है, कह रहा है कि गुरुजी हमेशा थीटा एक्स एक्सिस से लेंगे, वाई एक्सिस से नहीं ले सकते, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मान लेते आपने वाई एक्सिस से ले लिया, तब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तुम घुमा के देख लो इसको, तो वाई एक्सिस पे आ जाएगा। अजीब गरीब सवाल कैसे पूछते हो, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ? सवाल पूछने से पहले थोड़ा सोचा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इतने लॉजिकल बनो, नहीं तो तुम्हारी पक्की नहीं हो पाएगी। सवाल पूछने ही नहीं आते। इसके बाद वापस से आपको क्वाड्रेंट बनाना है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जब हम किसी भी लाइन को ये नापते हैं कि ये लाइन कितने डिग्री की लाइन है, जब हम ये नापते हैं किसी लाइन को कि कितने डिग्री की लाइन है, तो कैसे नापते हैं? हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं कि कितने डिग्री की लाइन है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम पता करते हैं कि कितने डिग्री की लाइन है। तो आप बताइए खुद एक्स एक्सिस कितने डिग्री की लाइन है? 0 डिग्री की लाइन है, ये नहीं। और वाई एक्सिस 90 डिग्री की लाइन है, और ये 180 डिग्री की लाइन है, 270 डिग्री की लाइन है, 360 डिग्री की लाइन। वापस से अब अगर कोई आपको पूछता है कि यार जो लाइन 0 और 90 के बीच में है वो किस क्वाड्रेंट में होंगी, तो जवाब क्या होगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में कौन कौन सी लाइन होंगी जो 0 से बड़ी होंगी? 0 + थीटा, थीटा को हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि एक्यूट एंगल है। पता चला थीटा 110 हो गया तो फिर 110 वाली तो सेकंड में चली जाएगी ना, अभी हम 90 से छोटा लेके चल रहे हैं। तो 0 + थीटा है, या फिर 90 - थीटा है, या फिर 360 + थीटा है। इन सब लाइन को हम कहाँ मान रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो
90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, बस। और ये 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा। ये हमें पता होना, पता लग गया कि भाई कौन से एंगल किस किस क्वाड्रेंट में होंगे, कौन कौन से एंगल किस किस क्वाड्रेंट में होंगे, ये हमें पता लग गया। इतना लिख लिया आपने, अब एक और काम की बात क्या है, इतना लिखने के बाद यहाँ तक अगर किसी बच्चे को डाउट है, देखो ये स्टार्टिंग का बेसिक है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और मुश्किल समझ में आता है। अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो पहले आप बताइए कि यहाँ तक आप समझ गए कि नहीं, पक्का आगे बढ़े। थीटा एक्यूट एंगल था, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इस चीज को ना। ठीक है, वैसे जगह हो गई ना प्रॉपर। यूज नहीं सिखाएंगे आपको इसके क्या क्या यूज हैं, देखिए। अब हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एच। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस एच माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, रख दो पनीर, जाओ एक पीस चाहिए तुम्हें भी, नहीं तो जाओ फिर। थीटा 90 माइनस थीटा एक्स और वाई। जैसे कभी आप अपने रिश्तेदारों के घर गए होंगे या कोई रिश्तेदार आपके घर आया हो, जब छोटे थे और मम्मी ने बिस्किट नमकीन वगैरह रखी, तो बच्चा क्या खड़े होकर एकदम टकटकी बांध के देखता रहता है। रिश्तेदार कहेगा अरे बेटा लो आप भी लो, मम्मी उधर। मम्मी ने पहले समझाया हुआ होता है कि तुझे नहीं, वो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ही होता है। और फिर जब वो रिश्तेदार जाता है या उससे पहले ही वो नाश्ता उठ के किचन में आता है, तो हम धीरे धीरे करके वहां से खिसक लेते हैं और किचन में आ लेते हैं। आप थोड़े बड़े परिवार से रहोगे, हम लोग ऐसा नॉर्मली होता है, ठीक है। रिश्तेदार कहते नहीं अंकल मैं नहीं, बेटा जबरदस्ती देता है, फिर माँ भी कहते ठीक है ठीक, खा ले खा ले, बाद में बताऊंगी तुझे। इस ट्रायंगल में साइन थीटा कितना होगा, एक्स अपॉन एच। और अगर कॉस 90 माइनस थीटा निकालें तो कितना होगा। जब हम कॉस 90 माइनस थीटा निकालने की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा, यानी ये भी कितना आएगा, एक्स अपॉन एच। तो आपने देखा ये इक्वल आ गए दोनों, यानी साइन थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर आ गया। साइन थीटा बराबर आ गया कॉस 90 माइनस थीटा। तो आपने देखा कि जब हमने एंगल के साथ 90 लगा दिया तो कॉस किस में बदल गया, साइन में। और साइन में ही क्यों बदला, क्योंकि 90 आने के बाद परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो गए, तो साइन पी बाई एच होता है और कॉस बी बाई एच होता है। अगर इसमें पी और बी एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे तो साइन कॉस बन जाएगा और कॉस साइन बन जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखिए कि एक बार 90 आया, अभी एक बार और 90 आ जाए, इधर भी 90 उधर भी 90, तो ये वापस फिर कॉस में ही चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 90 की जगह 90 प्लस 90 लिख दूँ तो यहाँ भी आएगा 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस कॉस में बदलेगा, यानी कि कॉस 180 कॉस में ही आ जाएगा। तो जैसे ही 90 से एक और 90 जोड़ेंगे फिर वापस उसी में आ जाएगा। बदला तो है लेकिन पता नहीं चला। वो कहते ना तुम बदले हो या ये बदला है किसी और बात का, तो गहरी बात है ये, तो छोड़ दो आप, ठीक है। समझ यही तो समझोगे और क्या समझोगे तुम, उसी में तो तुम्हारी आंखें लाल रहती हैं। तो मैं कह रहा था कि जैसे 90 फिर वापस जोड़ेंगे 180 में तो फिर वो चेंज हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। तो आपको ये बात लिखनी है कि 90 और 270 और डैश 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 करके लिखना है 90 का ऑड मल्टीपल। ये सारे ऑड मल्टीपल है 90 के, ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल कितना होगा। नो नहीं लिखना है, चेंज लिखना है, चेंज।
ठीक है, और अगर 180 है यानी कि जीरो है, जीरो देखिए इवन नंबर है और जीरो इवन नंबर है, इसलिए जीरो हरेक का क्या है, इवन मल्टीपल है, ऑड नहीं है। जीरो इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो जीरो, 180 और 360, 90 का इवन मल्टीपल, इवन मल्टी और पल, इवन मल्टीपल, ये क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज, कितना होगा, नो चेंज। अच्छा चेंज होगा तो कौन किस में होगा, अभी हमने बात की, देखिए साइन जो होगा वो कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट में, और कॉस नहीं कुसेक सेक में चेंज होगा, इतनी सी बात लिख लीजिए। कैसे चेंज होगा वो मैं बताऊंगा सारी बातें अभी, इतना लिख लिया। अब जैसे इसका यूज क्या आएगा, हम कैसे यूज करेंगे, मिटा दें जी ये चीज, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ये भैया देखने में बड़े लग रहे हैं, बहुत छोटे नहीं आपके बगल में, अरे ये, हाँ जी समझ आ रहा है आपको सब, थोड़ा बोलिए कुछ, मुझसे अच्छा लगता है आपका आवाज, कहाँ से हैं, अरे बिहार तो बहुत बड़ा है, बख्तियारपुर पटना, देखिए जैसे किसी ने आपसे पूछा कि साइन 270 माइनस थीटा बताओ, तो हमारी अप्रोच क्या होती है, हम किस तरीके से सवाल को करते हैं, आ रहे हैं ऐसे सवाल पेपर में, मेंस में भी आए थे, तो साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, जैसे सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, स्टेप वन, कि ये किस क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा इन विच क्वाड्रेंट, तो आपका जवाब होगा क्या, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर आपको देखना पड़ेगा स्टेप टू में कि इन थर्ड क्वाड्रेंट ये जो साइन है ये बदलने वाला नहीं, ये साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो जवाब आएगा नेगेटिव होगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि चेंज और नॉट चेंज, चेंज तो जवाब आएगा यस, क्योंकि 270 वाला है तो चेंज किस में होता है, साइन कॉस में बदल जाएगा और माइनस आएगा ही आएगा, तो आंसर क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। लिख लिया, मैं दिखाता हूँ कुछ छोटे छोटे से कैसे कैसे से सवाल पेपर में आए और आगे भी आ सकते हैं। जैसे इतना सा सवाल पेपर में आया, सवाल मतलब इतना छोटा सा सवाल पेपर में है, इसका क्या स्टैंडर्ड है सवाल का, आपके जितना भी इसका स्टैंडर्ड नहीं है सवाल का, आपका कहीं इससे ज्यादा है, क्या उत्तर आ रहा है, जीरो,
आपसे तो जी ये भी नहीं हुआ, कर रही हूँ क्या मतलब, उधर आंसर आ गया कर रही हूँ। ये बताओ ये 630 90 का मल्टीपल है या नहीं है, 7 टाइम्स ऑड मल्टीपल है या इवन, ऑड, और 7 मल्टीपल है, 7 मल्टीपल का मतलब हो गया कि 4 मल्टीपल यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद 5, 6 और 7 और प्लस है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और चेंज होगा क्योंकि ऑड मल्टीपल है, तो चेंज हो गया क्या बनेगा, माइनस का कॉस ए और प्लस कॉस ए, तो ये से कट जाएगा या नहीं, और जीरो उत्तर आ जाएगा। इतना छोटा सा सवाल था, बड़ा समझना पड़ेगा ऐसे ना, करते रहो सवाल, एक सवाल में पता चलता है कि 40 मिनट लग गए जी, लेकिन हमने कर लिया, वेरी नाइस, आई डिड इट। आपको 2 घंटे में 100 सवाल करने की आदत डालनी है। चलिए एक सवाल लिखिए और पेपर में आया हुआ, जितना आप यहाँ तक पढ़ा दिया वहाँ तक। साइन एक्स बराबर 1/2, साइन वाई बराबर 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 cos² x - 4 cos²(x)/(18 cos²y - 27 cos²)4y क्या होगा। कोई फॉर्मूला मत लगाना, बेसिक तरीके से ही करना। नहीं आ रहा, बहुत लंबा हो गया सवाल, नहीं इतना लंबा तो नहीं हुआ यार। आप भाई साहब गणित के बेताज बादशाह हैं, पता है, यू आर रियली, वे की अंग्रेजी होती है दे और ताज की ताज होती है, और बाद को कहते हैं आफ्टर और साहा की साहा। बहुत लंबा नाम हो जाएगा इंग्लिश में। हैं जी 3/4, वेरी गुड। आप तो खैर गणित की बहुत पुरानी जानकार हैं। 2 cos²(x) कॉमन ले लेते हैं थोड़ा, तो 3 - 2 cos²(x) बचेगा, ठीक है कि नहीं। आ रहा समझ, हो गया, तो फिर समझ में क्या आ रहा है, क्या हुआ ही नहीं तो पढ़ लो बेटा, बता रहे हैं आपको कुछ नहीं रखा, पता है आपको, कितने दिन पहले पता चला है, 4-5 दिन हुए, चलो अच्छी बात है। अब साइन एक्स अगर 1/2 है तो हम यहाँ से ट्राइंगल से ही निकाल सकते हैं अभी तो, कि अगर ये 1 है और ये 2 तो ये √3 होगा, और इसका ट्राइंगल अगर बनाएं तो ये 2 ये 3 ये कितना आ जाएगा, √5 यही आएगा। तो 2 × cos²(x) कितना होगा जी, √3/2, 3/4, और 3 - 2 × 3/4 / 9 × cos²(y) कितना होगा, 5/9, और 2 - 3 × 5/9 ये होगा, 9 से 9 कट जाएगा, 2 से ये 2, तो ये आ गया 3/10, ब्रैकेट में कितना आएगा जी, 3 में से 3/2 कटेंगे, 3/2 ही आ जाएगा, बटे नीचे 3 × 3 = 1/3, 1/3, तो ऊपर जाएगा टोटल 27 हो जाएगा, और नीचे आएगा तो 27/20 आ रहा है। ये आ रहा है किसी का, हमेशा सचिन का भी आ रहा है, बताइए भारती जी आपने क्या किया कि आपका 4/3 आ रहा है, आपने डिजिटल सम तो नहीं निकाल दिया कहीं, आपको अफसोस नहीं आपका उत्तर गलत है। राधा 2 बेटा 1 वो है,
समझ आ रहा है तुम्हें? दो दो राधा एक ही क्लास में, बताइए, एक को तो एटलीस्ट मीरा होना चाहिए था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत गंदा सा था, कठिन नहीं था। कठिन इस संसार में कुछ नहीं है सिवाय एक चीज के, सही बात नहीं है? दीदी बताएंगे, आपने लिखा नहीं? फोन रखा करो मल्टीमीडिया ताकि फोटो खींच लिया, ब्यूटी प्लस वो भी जरूरत नहीं है। बुढ़ापा आ गया, हो गया। चलो जी और किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? तुम बताओ भाई, तो मैं आ रहा भी समझ। एक सवाल लिखना है छोटा सा, साइन 360 माइनस ए, साइन 360 माइनस ए इंटू कॉस 90 प्लस ए इंटू कॉट 180 माइनस ए बटे साइन 180 प्लस ए इंटू 10 90 माइनस ए कॉस 270 माइनस ए, कितना होगा? नहीं 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 आप समझी नहीं बात। हाँ वो एक ही ट्राइंगल के नहीं थे दोनों, अगर एक ही ट्राइंगल के होते तो फिर साइन वाई उस केस में खुद ही उतना आता। कितना आ गया? माइनस वन या वन? माइनस वन इज द राइट आंसर, माइनस वन। आपका कितना रहेगा लेवल वाइज? माइनस वन, वेरी गुड। देखिए माइनस लिखेंगे तो प्लस बनाने में आसानी नहीं रहेगी, और प्लस लिखेंगे तो माइनस बनाने में भी नहीं आसानी रहेगी, क्योंकि प्लस लिखे ही मत, खाली वन लिखिए, जैसे पता चला उत्तर माइनस वन माइनस लगा दीजिए झट से। कोई बात नहीं, देखो अब आपको बहुत आ जाना चाहिए, छोटे छोटे से सवालों में गलती करेंगे। जैसे 360 माइनस ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? फोर्थ। ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? सेकंड। ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? सेकंड। ये थर्ड, ये फर्स्ट, और ये। अब आपको पता है कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है और चेंज भी नहीं होगा। तो अगर चेंज भी नहीं होगा और माइनस रहेगा तो माइनस का साइन ही आएगा। कॉस 90 प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, होता है नहीं, तो क्या आएगा? माइनस साइन इंटू कॉट 180 माइनस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और चेंज नहीं होगा तो माइनस का कॉट है, बट साइन 180 प्लस है थर्ड क्वाड्रेंट में, चेंज भी नहीं होगा लेकिन नेगेटिव होगा, माइनस साइन है। और 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेकिन चेंज होगा, 90 वाला है कॉट है। इंटू कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और चेंज भी होगा, माइनस साइन। तो ये माइनस का माइनस से पूरा कट जाएगा, ये माइनस का पूरा कट जाएगा, कॉट से कॉट एक माइनस बच जाएगा ये, तो ये माइनस एक आ जाएगा। लोगों ने क्या इस माइनस को ही ऐसे करके लिख दिया और एक उत्तर बता रहे हैं, क्योंकि एक तो उन्हें दिखाई नहीं कहीं बचा है और एक उत्तर बता दिया, ऐसा नहीं हो सकता। माइनस को जब हम सीधा कर देते हैं तो वो एक की तरह दिखता है खाली, और जो चीजें दिखती हैं वो होती नहीं है। आप भी गूंगी दिखती थी,
लेकिन निकली नींद ना। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लिखेंगे, मेंस में आया, बहुत आसान सा ही सवाल है, आज हम आसान आसान से सवाल कर रहे हैं। आगे बढ़े, किसी बच्चे को डाउट है इसमें, कॉपी कर रहा है तो बता दीजिए, फिर ये ना कहे कि जल्दी चल रहा है। एनी गाय, ये खंबे के किनारे बैठे हैं भाई साहब, कम लंबाई है, आपसे ही बात कर रहा हूं। हाँ, पेन किलर जैसी शक्ल है, इनके बगल में बैठे हैं। अरे मतलब आदमी का दुख दूर करने वाला आदमी नहीं होता कोई, उसको कहते हैं हम पेन किलर, कि जो दूसरों का दुख दर्द मार दे। हंसना तो सही से सीख लो, फोन पे हंसोगे सामने वाला फोन रख देगा कि भिनक रहा है फोन पे। अरे आज बात नहीं करते, कल परसों उससे अगले दिन तो करनी पड़ेगी। देखें अगला सवाल, कॉस 90 प्लस है भागित सेक 270 माइनस से प्लस साइन 270 प्लस से भागित कोसेक छह सौ तीस प्लस से। छह सौ तीस माइनस ए है, छह सौ तीस माइनस ए लास्ट में माइनस है, तो ये अलग ब्रैकेट में मझला ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है मझला है जी। नहीं नहीं गलत बता रही हैं, अरे सिंगल साहब कैसे हैं आप, बढ़िया। अरे यार आपको देख के दिल खुश हो गया, और कैसा चल रहा है सब, बढ़िया चल रहा है। चलिए मिलेगा क्लास के बाद, ऐसे तो बहुत जल्दी निकलना है लेकिन आपसे मिल के जरूर जाएंगे भाई साहब। आपसे हो गया सवाल, क्या उत्तर आ रहा है, वन कॉस 90 प्लस ए क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, नेगेटिव होगा तो माइनस का साइन है, अपॉन सेक 270 माइनस ए किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड में, थर्ड में सेक नेगेटिव होगा तो माइनस का कोसेक है, प्लस साइन 270 प्लस ए फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, नेगेटिव होगा माइनस का कॉस ए बटे कुसेक 630 माइनस एक इसमें पड़ेगा, सात से कम है यानी कि थर्ड में पड़ेगा, सात से कम है तो थर्ड में कुसेक नेगेटिव होता है माइनस का, ये से कट गया, ये से कट गया, ये कुसेक के ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये अब देखिए जिन बच्चों को पता है कि वन होता है वो तो वन लिख देंगे, बाकी साइन है आपको क्या पता है कि पी बाई एच होता है तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, तो ऊपर वाला भी एच स्क्वायर होगा पाइथागोरस से, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर वन, और जिन लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है तो डायरेक्ट वन कर देंगे। ऐसे से सवाल पेपर में आते हैं बताइए, जिनका कोई लेवल नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है सवालों का। आपको याद है ऐसे
एलजेब्रा आपने अभी पढ़ाई है, जैसे एक सवाल लिखिए सेक एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर दो, एलजेब्रा पढ़ा था ना आपने, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर दो, ठीक है दिया हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं सेक की क्यूब एक्स, सेक की क्यूब एक्स और वन प्लस सेक क्यूब एक्स, ये प्लस कॉस की क्यूब एक्स ब्रैकेट में वन प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये बताना है। फोर देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, हमने ऐसा पढ़ा है एलजेब्रा में, अगर आपको हल्का फुल्का भी याद हो कुछ तो हमने पढ़ा था कि x प्लस एक बटे एक्स दो केवल तभी हो सकता है जब x वन हो, ये बात पढ़ी थी हमने। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ कि यार ये cos x और प्लस sec x को एक बटे cos x बराबर दो है, यानी कि ये तभी हो सकता है जब cos x वन हो। cos x वन होगा तो sec x भी वन होगा, क्योंकि उल्टा होता है, एक का उल्टा भी एक होता है। तो अगर आप यहाँ एक लिखेंगे, ऐसा सवाल भी प्री के पेपर में आया है, ये कि बहुत आसान सवाल है, तो कितना आ गया जी चार। तो बताइए मुश्किल है क्या? ऐसे छोटे छोटे से सवाल अगर आएंगे तो आप मौखिक कर देंगे कि नहीं? हवा थोड़ा दे रहा है बिल्कुल भी। प्लस मैं कह रहा हूँ इसका जो पाइप है, इन पीछे वाले आंटी के घर में से नहीं निकाला जा सकता बाहर? पूछ लो, बात कर लो, रेंट दे देंगे। अरे ऐसी ठंडी हवा ही नहीं दे रही, क्या फ़ायदा है इसका? किलोमीटर लंबा तार है, हवा लंदन से आ रही है, आएगी कहाँ से? आवाज ही आवाज है बस इसमें। आंटी से बात करो, मेरी बात करो डायरेक्ट, तुम करोगे तो हो सकता है मैं भी चलूँगा साथ। जैसे उस दिन हमारे ऑफिस, हमने क्या है कि अपने अपार्टमेंट में ऑफिस बना दिया है, सामने भाभी रहती हैं, बिजनेस है उनका ट्रैवलिंग का, बहुत गुस्सा है उनके अंदर भरी हुई भाई। सभी लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे, पूरी टीम नाच वाच कर रहे थे, आई क्या तरीका, व्हाट द हेल इज दिस, और सीधा उन्होंने RW को फ़ोन लगा दिया, जी यहाँ पे ऑफिस पे पार्टी करते हैं लोग, बहुत तेज़ आवाज़ में गाने चला रहे हैं, ये वो, शिकायत लगा दी, बंद करो ऑफिस ऑफिस। तुम तो थे बलास, मैं आया बाहर से, बाहर था, सबसे पहले भाभी के घर गया और भाभी नमस्कार कैसे, अरे पूछा मैंने जाके उनको, मैंने कहा क्या काम कर रही थी? कुछ नहीं। बोले आप, आपकी तारीफ जी जितनी की जाए उतनी कम है। मैंने कहा जी मैं A202 का। बोली रेंट पे रहते हो? मैंने कहा नहीं जी अपना ही है। तो रहते क्यों नहीं हो? मैंने कहा जी और लोग ही रहते हैं, क्या करें हम, कैसे रह पाएंगे? तो बोले ये तो बहुत बदतमीज लोग आपके यहाँ पे रहते हैं, पूरा टाइम तेज़ आवाज़ में गाना बजा रहे हैं। मैंने कहा बच्चे हैं आप भी, अपनी उम्र में रही होंगी तो काफ़ी गाने बजाए होंगे, तो शांत हो गए थोड़ा सा। फिर मैंने और बैठा रहा, मैंने कहा पानी वगैरह चाय वगैरह लाएंगी कि नहीं? खुद ही बोला ना पानी ना चाय, बताइए कोई आपके घर गेस्ट आ रहा है? ठीक है पानी लेके आइए, पानी लेके आइए। इनका रिलैक्स हो जाइए और बताइए। फिर पूछा मैंने कहा चाय वगैरह बना लीजिए, है पनीर? ऐसा कोई मेरी सगी भाभी नहीं है। वहाँ पे क्या है अपार्टमेंट में भाई साहब, आप 45 की एज वाली
आंटी से भी अगर आंटी बोल दिया तो बवाल है वहां तकड़ा। 50 वाली भी चाहती है कि भाभी बोलो, बताओ। हमारा तो इतना एक्सपीरियंस हो गया भाभी बोलने का कि क्या बताएं। 60 साल की आ रही है वो भी भाभी 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 जी नमस्ते, खुश होके नमस्ते लेंगे, और आंटी जी बोल के नमस्ते कर दिया, चल ऐसे कर देते हैं, बताइए। कुछ बोली नहीं उसके बाद, कह रही कोई नहीं। मैंने कहा बच्चे पार्टी करने तो क्या जा रहा है? अरे नहीं मैं इंपोर्टेंट काम कर रही थी। वो मैंने हमें बताइए हम हेल्प करेंगे, अभी क्या काम छूट गया बताइए। मैं हम इतनी तेज आवाज में पढ़ लेते थे, हमारे गांव में भागवत बहुत होती थी और उसी टाइम हमारे बोर्ड के पेपर आते थे, तब फर्क नहीं पड़ा कुछ। इन सब बातों से फर्क पड़ता है, कोई कितना भी चिल्लाता रहे, जिसने जो काम करना है। देखिए अर्जुन ने बताया था कि उनका लक्ष्य जो है सिर्फ मछली की आंख पे था, तो वही आपने भी रखना है, वही लक्ष्य सीधे मछली की आंख पे। भले आंख फोड़ देनी है सामने वाली की। अब बताओ ये कह रहा मछली नहीं मिल रही। ये बताओ मिल रही नहीं रही या फंस नहीं रही? दोनों में अंतर है। ओए हिसाब से तालियां बजनी चाहिए, बता रहा हूं, होश में आ जाओ। दोनों में अंतर है ना, ऐसे उल्टी सीधी बात करोगे तो झंड खाओगे ही खाओगे। चलो जी कुछ और बढ़िया सवाल करते हैं। लेकिन 5 tan θ बराबर 4, 5 tan θ बराबर 4, 5 sin θ ऐसे लिखना है कि 5 tan θ बराबर 4 और थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड में होगा तभी पॉजिटिव होगा, तो आपको बताना है आपकी 5 sin θ माइनस 3 cos θ बटे 5 sin θ प्लस 2 cos θ कितना होगा, ये आपको बताना है। एक तो एक आपको बताना है sin θ प्लस 3 बटे cos θ माइनस 2। दो दो जवाब आपने देने हैं इस पे, क्या क्या होंगे? वन बाई सिक्स, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया जी, मजा आ गया कसम से। देखो भाई इस सवाल में क्या ना, ज्यादा दिमाग लगाएंगे अगर हम कि cos थीटा निकालेंगे तो परेशानी होगी। इसमें क्या डिग्री सेम है, अगर डिग्री सेम हो तब आप डायरेक्ट sin थीटा को 4 और cos थीटा को 5 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें से cos थीटा कॉमन ले लूं या cos थीटा से भाग लगा दूं तो ये बन जाएगा 5 tan θ माइनस 3, और नीचे भी सेम हो जाएगा 5 tan θ प्लस 2। अब आप बताइए खुद ही, 5 tan θ 4 है तो 4 माइनस 3 ऊपर कितना बचेगा 1, और 4 प्लस 2 कितना बचेगा 6, तो 1/6 उत्तर आएगा। लेकिन आप ये तभी तक कर सकते हैं, जैसे जो अभी रखने की बात हुई हमने कहा रख दो आप, जैसे आप क्या रख सकते थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना था 4/5। तो अगर आप साइन थीटा को 4 और कॉस थीटा को 5 रखते, देखो 4 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15, 5 बचता कि नहीं। उसके बाद 5 × 4 = 20 और 5 × 2 = 10 = 30, 1/6 ही आता उसके, इसमें भी उत्तर वैसे भी उतना ही आता। लेकिन ये तभी तक कर सकते हो जब तक डिग्री सेम हो, क्योंकि होगा क्या, PYH, 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 BYH, H कट जाएगा कॉमन लेके, तो H पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने डायरेक्ट रख दिया, या फिर आप ऐसे कॉमन लेके कर लो। लेकिन इस सवाल में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप साइन डेटा की वैल्यू डायरेक्ट 4 रख दें, इसीलिए मैंने दूसरा सवाल पूछा बैक टू बैक कि आप नहीं कर सकते ऐसे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिग्री सेम नहीं है, यहाँ पे H कटेगा नहीं बचेगा। तो अब साइन डेटा आपको निकालना पड़ेगा, तो साइन डेटा कितना निकलेगा, अरे बड़ा गंदा सा निकल रहा है, तो 10 θ 4/5 है, मैंने तो वो सोचा 3 4 5 वाला बन रहा है, वो है नहीं सीन, 4 × 16 और 5 × 25 41, ओ शिट। तो साइन थीटा कितना होगा जी, -4/√41 और बटे
तो ये आ जाएगा 3√41 माइनस 4 बटे माइनस 2√41 माइनस 5, माइनस कॉमन ले दो चाहे तो गंदा लगेगा, तो 4 माइनस 3√41 बटे 5 प्लस 2√41 यही है। आगे बढ़े, अब आपको एक और बात समझनी पड़ेगी, जैसे किसी भी ट्राइंगल में जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो PBH है, उनमें क्या रिश्ता होगा, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा आप बता सकते हैं, फिर हम एक सवाल पूछेंगे उसमें बहुत अच्छा मजा आ जाएगा आपको कसम से करके। जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें ये P है, ये B और ये H है, तो H हमेशा बड़ा होगा P से, कभी बराबर भी नहीं हो सकता, वो बराबर होगा जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, है कि नहीं, या फिर P छोटा होगा H से, मतलब बराबर तो एक ही स्थिति में हो सकता है जब ये सीधे खड़े हो जाएंगे, इनफाइनाइट पे मिलेंगे जब एंगल 90 का हो जाएगा, और यही सेम सीन है B के साथ। तो आप खुद बताओ साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच होता है, और पी किसी भी स्थिति में एच से बड़ा नहीं हो सकता, तो साइन थीटा का मान हमेशा एक से छोटा होगा या एक के बराबर होगा, वो भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन जब ये एंगल 90 हो जाएगा और इनफाइनाइट पे ही मिलेंगे, उस केस में हम मान लेते हैं कि ये बराबर होंगे। तो साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, और कॉस थीटा भी हमेशा एक से छोटा रहेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसकी बीच बीच में जरूरत पड़ेगी। वैसे तो जब मैं ये बात आपको बढ़ाऊंगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इन ट्रिग्नोमेट्री तो अलग से बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा एक से छोटे रहेंगे, क्योंकि पी और बी क्या होता है, छोटा होता है एच से। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। मीत आप बताइए, आपको समझ आ रहा है तो कॉपी कर लो इसको, फिर एक सवाल पूछते हैं। अच्छा ठीक है, पिछले क्वेश्चन में डिग्री वाली बात बता दें, बता देते हैं, ये वाली तो नोट कर लो पहले। हाँ बोलो, कह दो ना जो भी डाउट तुम्हारा है, कह दो ना, बोलो भाई। क्या दोबारा बोलो। हाँ पिछला क्वेश्चन, पिछला ऐसे लग रहा छिपकली बोल रहे हो, सही से बोला करो पिछला, ये पढ़ाया नहीं हमने, तुम एलजेब्रा में थे या नहीं थे? एक्स प्लस एक बटा एक्स अगर दो हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x होगा, इधर लेके आएंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 होगा और x कितना आ जाएगा 1, ये बात। तो ये बात हमने पढ़ाई नहीं थी बे, क्यों बे पढ़ाई थी भैया हमने, x बराबर 1 पढ़ाया था हमने कि ये 1 होगा, तो ऐसे ही cos x प्लस 1 बटा cos x अगर 2 है तो cos x कितना होगा 1 होगा। भाई साहब आप बताइए पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, आप कहां थे जब ये पढ़ाया जा रहा था, तब भाभी की विदाई कराने गए थे दो लड्डू और 51 रुपए के चक्कर में, अब बोलेंगे नहीं। हाँ फर्स्ट क्लास सर। अच्छा आज फर्स्ट क्लास है, तो अभी जितना पढ़ाया उतना समझ पा रहे हैं? हाँ सर समझ गए। होए होए ठीक है सर समझ गए समझ गए। ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लचका लचका के नींद में हैं? सर सीट से अवैध कब्जे कम करवाने की कोशिश करें, ये कौन कर रहा है अवैध कब्जे सीट पे, मुझे बताओ आप कि कौन लड़का है जो सीट रोकता है किसी के लिए, आप मुझे बता दो, मैं इतना जलील करूंगा आप बिलीव करें कि वो अपनी सीट भी नहीं रोके, खड़े होके पड़ेगा पीछे। जलील करने में मुझे पद्मश्री मिला हुआ है, आप मुझे मौका तो दीजिए सम्मान का, पद्मश्री ही नहीं भाग्यश्री तनुश्री सारे मिले हुए हैं। सीट रोक लेते हैं, पता नहीं क्या तरीका है, बैग रख देंगे, आ रहा है ऐसे कोई बैठेगा आ रहा है, हाँ ऐसे नहीं, और हरियाणा में तो बहुत टून में आ रहा है चले
सीधे मुंह बात ही नहीं करेंगे, आदमी परेशान हो जाए। यार तू सीट नहीं दे रहा, ठीक है तमीज से बात तो कर, वो तमीज होती है। ओह बड़ा पक्ष ले रही है। अगर टोन ऐसे तो टोन को बदलना नहीं चाहिए। अब हमारी भी अब नोकिया के फोन में, वो आईफोन में या कोई भी फोन लेते सैमसंग का, तो बहुत गंदी सी रिंगटोन आती है, हम बदलते नहीं टोन को, तुरंत डाउनलोड करते नहीं टोन लगाते। हमारी भी टोन ऐसी थी, का कर रहा है, का है रो रे ओए, हमने नहीं बदली गांव से आके। टाइम बिल्कुल नहीं, अभी भी गांव में जाएंगे, ताई राम राम कैसी हो, सब बढ़िया गांव में, ऐसे बोलना पड़ता है हमें। फोन अभी एक फोन आ जाए मेरे घर से, सेम अपने आप इंटरचेंज हो जाएगी, मैं उसी भाषा में आ जाऊंगा। अरे ना खाया अभी खानो खाऊंगो, लेकिन जैसे आपको पढ़ाएंगे फिर बदल जाएगी। तो आपको आदत डालनी चाहिए कि आप दिल्ली में रह रहे हो, कैपिटल में रह रहे हो, आप यहाँ पे जातिवाद क्षेत्रवाद ये सब थोड़ी फैला सकते हो कि मैं वहां से हूं तो मैं वहां की भाषा लेके आऊंगा। नहीं, ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे क्या आपको, उस स्तर पर रहना है। फिर आप अपना हरियाणा जाइए, जैसी मर्जी टोन बोलिए, क्योंकि वो ताऊ समझता है ना आपकी बात, यहां वो ताऊ नहीं है। यहां वो बिहार का भोला सा बच्चा जिसके दिल में भाला रखा हुआ है, जी लगा लगा के आपको बोल रहा है भारती जी, और आप उसका जो है कर देते हैं 2 मिनट में पोस्टमार्टम। बताइए क्या बीतती होगी उसके दिल पे। चले कोई नहीं, एक बहुत खूबसूरत सा सवाल हम करने जा रहे थे। अच्छा डिग्री वाली बात, ओ आप बड़ा ध्यान रखती हैं उस बच्चे का। बालक इसीलिए हुए हुए पालनहारे। मैं ये बोल रहा था भाई कि अगर आप यहाँ पे PYH रख देते हैं, जैसे 5 into PYH और -3 into BYH बटे 5 PYH +2 into BYH, तो ये H कॉमन लेके कट रहा है पूरे में, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप PYH रखेंगे +3 बटे BYH रखेंगे -2, तो H इधर चला जाएगा और P+3H बटेगा बचेगा, तो H कट नहीं रहा इसीलिए, क्योंकि डिग्री सेम का मतलब था कि अगर यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ भी कॉस जैसा कुछ होना चाहिए था, ताकि एच से सेम रहता, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट टर्म आ गई। आप जल्दी से सवाल करो, मुझे बहुत अजीब डकार आ रही है, क्योंकि मैंने पहले पनीर खाया, फिर नारियल पानी और फिर रेडबुल, तीनों मिक्स हो गए। पनीर का तो बन गया दही, और अगर मैं बूंदी ऊपर से खा लूं तो बनेगा रायता। तो चुपचाप से आप सवाल लिख लो, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके सामने पेश किया जा रहा है। सवाल है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर x² + y² + 1/2x। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आएंगे CGL में क्यूट क्यूट से। देन x मस्ट बी मस्ट मॉडल का प्रयोग किया गया है, यानी कि केवल और केवल तमीज से उत्तर बताना है इसका मतलब है। -3 -2 एक नन ऑफ दिस NOT 1। बेटा आपने कमाल कर दिया, पता है यू हैव वन द हर्ट, आपने दिल जीत लिया। सीरियसली कैसे निकाला आपने, वैसे तो कम मार के, और एक्स और वाई को वन वन मान लिया, फिर क्यों मान लिया तुमने ऐसे। हाँ मैं वही, आपने ऐसे तो कैसे निकाल दिया, आपने वाई को ही जीरो क्यों माना, वाई भी तो वन हो सकता था। आपका क्या रहा है, अभी मैंने एक बात बताई थी, देखो आप मैं कितने प्यार से इसका सोल्यूशन करूंगा, आप भी कहेंगे यार क्या मास्टर है यार। लेस देन वन होगा, ये अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा का मान 1 से छोटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा ऑब्वियस है 1 से छोटा ही होगा। स्क्वायर करने पे तो पढ़ते, मतलब मैक्सिमम 1 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x² + y² + 1 < 2x। 2x को इधर ले आता हूं तो ये क्या बन जाएगा, x - 1 का स्क्वायर + y² < 0।
आप बताओ किसी का भी स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर का सम कभी लेस देन जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि ये लेस देन वाली बात हट जाएगी, क्या रह जाएगी? इक्वल टू वाली बात रह जाएगी, वाई स्क्वायर बराबर जीरो। अब आपको एक बात याद है, हमने एलजेब्रा में पढ़ा था कि स्क्वायर का सम जीरो तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर जीरो हो। तो ये जीरो कब होगा? जब एक्स वन होगा और ये वाई जीरो। तो इस पे और भी बड़ा सवाल भी बन सकता था, यहाँ पे जेड भी आ सकता था। मान लेते मैं यहाँ पे लगा देता जेड माइनस थ्री का स्क्वायर, तो आपको नानी याद आ जाती, उस केस में जेड थ्री होता। हम सारे मान निकाल सकते थे एक्स वाई जेड के, और वो भी तीनों ना पूछ के ऐसे पूछता एक्स वाई जेड बताओ। मिस्टर सचिन उर्फ तेंदुलकर, आप बात की गहराई को समझ पाए? यू ईटन द टॉक ऑफ बात है, दिखाई नहीं दिया फिर से एक बार। ठीक है, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हमने क्या बताया। हमने बोला कि भाई ये लेस देन वन होगा, क्या तरीका है ये? हंसेंगे ऐसे? लास्ट सवाल है, जा सकते लेस देन वन, तो ये 2x होगा यहाँ पे जाएगा, तो ये 2x इधर आ गया, 2x को इधर लेके आए, तो x माइनस वन का स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर लेस देन जीरो। मैंने कहा स्क्वायर का सम कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता, तो वो इक्वल टू जीरो होगा, और इक्वल टू जीरो तब होगा जब x वन होगा और y जीरो होगा। तो ये आखिरी बहुत खूबसूरत सवाल था। हम इसी तरीके से बहुत सारे इस बार खूबसूरत सवाल पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे से सवाल जो पेपर में आएंगे, मुश्किल नहीं होंगे, ट्रिकी होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। बाय।